और ये हमारे बाहर आ जाते हैं। लेकिन यार ये है ना, ये बहुत मजबूत होता है। ये देखो अभी तक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना तो ये जबरदस्त पक्का होता है। ये कहा, ये तो कट गया, चलो ये आ गया, इसको भी हटा दिया हमने। ओ ये निकल चुका हमारा ओवरऑल। ओ इसके साथ में इतना बड़ा हमें, इसके साथ में इस प्रकार का पार्ट देखने मिलता है जिसके अंदर है इसका चार्जर जो कि आता है इस प्रकार का। ओ सबसे अच्छी देखने मिलती है इसके अंदर में 1000 mAh की, और वोल्ट की बात करें तो 3.7 वोल्ट की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि इसका बैटरी बैकअप काफी शानदार होने वाला है। और इस प्रकार का हमें 14 MHz की फ्रिक्वेंसी वाला रिमोट कंट्रोल देखने मिलता है। इसके साथ में एक टिकट बटन है, और ये हमारा स्टेयरिंग व्हील है, और ये इतना बड़ा एंटीना है जिससे हमारी रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर लगता है इसमें दो डबल ए बैटरी जो कि हम लगाएंगे और देखेंगे कितना ज्यादा मजा आता है। और हमारे यहाँ बग्गी की बात करो तो काफी ज्यादा शानदार देखने को मिल जाएगी। देखो इसका लुक बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ओवरऑल इसका जैसे बनाया गया। और देखो इतने बड़े बड़े व्हील देखने मिल रहे हैं, और काफी ज्यादा फ्लफी है। देखो इसे ऐसे दबाने पे भी दब जाते हैं, और इसके ऊपर जो ग्रिप है ना वो भी काफी शानदार बनी हुई है, जैसे मोस्टर ट्रक के ग्रिप होते ना टायर में, वैसे वैसे इसके अंदर में ग्रिप देखने को मिल जाती है। और सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन भी काफ़ी पावरफुल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, आगे के और पीछे के दोनों प्रॉपर काम कर रहे हैं। और बॉडी की बात करते हैं, प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है। और मोटर की बात करते हैं, हमें सिर्फ दो मोटर देखने मिलती है, एक हमारी जो पाल है, जो व्हील है पीछे का, जो व्हील है उनको चलाने के लिए, और एक आगे की स्टेयरिंग को घुमाने के लिए। बाकी अंदर बैठने की बात करते हैं, दो ड्राइवर बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर और एक को ड्राइवर बैठ सकते हैं, यानी को पायलट होता है, वैसा वैसा सीन है। और पीछे में एक प्लास्टिक का व्हील भी देखने को मिल जाता है। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पर लग जाती है इसकी बैटरी, और यहाँ पर है इसका ऑन ऑफ का स्विच। तो जल्दी से इसकी टेस्टिंग करते हैं, वो देखते हैं इसकी टेस्टिंग में कितना ज्यादा मजा आता है। तो गाइस मोस्टर ट्रक के पीछे हमने बांध दिया है ट्रक, और ट्रक के अंदर रोक रहे 1 किलो का वजन, यानी 1 किलो से ज्यादा है लेकिन कम नहीं। देखते हैं कि हमारा मोस्टर ट्रक 1 किलो का वजन खींच पाता है क्या। ओ देखो आसानी से खींच रहा है भाई, वो मजा आ गया भाई। मोस्टर ट्रक काफी ज्यादा पावरफुल, देखो धूल उड़ा दी, इसे धूल उड़ा दी खंडे कर दिए भाई। ओ देखो हमने पीछे सारा दिया, और खींचे गए वो काफी शानदार चला है, इसमें ना काफी ज्यादा मजा आया। वो देखो एक बार और रखते हैं, एक बार हम वापस रखेंगे यहाँ पर प्लेन में, क्योंकि मिट्टी में कम चला पाए, लेकिन जैसे प्लेन रस्ते पर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से खींचे जा रहा है। देखो देखो काफी अच्छी तरीके से खींचे जा रहा है, और ये 1 किलो वजन आसान से खींच। अब हम इसका टेस्ट करें पानी में, और किचन में देखते हैं कि पानी किचन में चल पाता है क्या। ओ देखो देखो, अरे यार ये तो उल्टा गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें काफी ज्यादा पावर है, ये चलेगा दौड़ेगा, ये यहाँ पर चलेगा देखना। ये देखो भाई क्या शानदार यार, यह या 4x4 नहीं है यार, ये 4x होता है काफी मजा आता है। देखो वो इसकी व्हील की प्रॉब्लम है ना, इसलिए भी ये नीचे ऊपर आ रहा है। देखो वो बाकी अच्छा चल रहा है, पीछे चला आगे पीछे, चलो देखो वो काफ़ी ज़्यादा जोर लगा रहा है, चलने में काफ़ी स्मूथ चल रहा है। बाकी इसकी एक कमी है कि 4x4 नहीं है, इसलिए अगली बार हम लगाएंगे 4x4 जो कि पानी में काफ़ी अच्छा चल सके। देखो यार देखो पीछे व्हील कितना खतरनाक घूम रहे, आगे वाला घूम ही नहीं पा रहे, तो यार ये क्या है 4x नहीं है ना, इसलिए बाकी इसे चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखो कम पानी में तो अच्छे से चल रहा है, देखो यहाँ पर कम पानी है, यहाँ पर अच्छे से चलेगा। देखो ये देखो यानी एक साइड में इसके पानी नहीं हो रहा है तो अच्छे से चलता। तो बस देखो हमने पानी में उतार दिया, और देखो कितनी शानदार तरीके चल रहा है, वाह मज़ा आ गया मज़ा। ये देखो चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसे, वाह एक नंबर भाई एक नंबर। और ये देखो पानी में कैसे निकलेगा, वाह देखना, और जो लगाए वाह मज़ा आ गया, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ना यहाँ मोस्टर ट्रक। देखो वो गया, जो लगा खड्डे में आते ही रुक जाता है ये, यहाँ पर आया रुक जाएगा, ये गया मजा। जब हम करवाए थे देखो ऑफ रोड में तो ये काफ़ी तेजी से चला जा रहा है, ओ भाई मज़ा आ गया। बस इसे कहते हैं रियल ऑफ रोडिंग, ये थार को टक्कर दे सकता है आराम से। देखो ओहो, अरे यार ज़्यादा तारीफ कर दी तो ये खड्डे में फंस जाएगा, कोई बात नहीं आगे रखते हैं। अरे यार थोड़ी सी क्या ज़्यादा तारीफ की हमने, और ये हमारा पलटी खा गया, ओ ये रखा इससे उल्टा, ओ चला गया ओ माय गॉड। देखो भाई
मजा आ गया। इसमें यार सिर्फ एक प्रॉब्लम है मैं कि इसकी जो स्टेयरिंग व्हील है ये बहुत यार नाजुक है, नाजुक नहीं है बहुत ही हार्ड है, ये घूम नहीं पा रहा। देखो देखो बहुत ही कम घूमती है इसकी स्टेयरिंग है, ये बहुत कम घूमती है, ये कि ये अच्छी होनी चाहिए, ये देखो घूम नहीं पा रहा इसलिए। बाकी चलते वक्त घूम जा रहा है, लेकिन इसे घूमने के लिए हमारे इस स्टेयरिंग व्हील को हमने पूरा घुमाना पड़ा तब ये जाकर हमारा स्टेयरिंग व्हील घूम पा रहा है। बाकी चलने में काफ़ी शानदार कर रहा है वो ऑफ रोडिंग, इसे पावर की थोड़ी कमी है क्योंकि यार 4x4 नहीं है ना, इसलिए अगर 4x4 होता तो मज़ा आ जाता। ये देखो 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 ओहो, अरे यार इसके व्हील फ्री हो चुके हैं, कोई बात है इधर रखे हमने। ओ ये देखो देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है हमारा ऑफ रोड, ऐसे चलाने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि यार ये ऑफ रोड में काफ़ी शानदार तरीके से चल रहा है। ये देखो मज़ा भाई मज़ा, इसे कहते हैं रियल ऑफ रोडिंग। ये देखो ये देखो छोटे से बड़े इसके आगे कोई भी आ जाए इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखो वो देखो 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 देखो, अरे बारे इतना मजा। ये देखो वो जब हमें इसकी स्टेयरिंग कंट्रोल और देखो यार स्टेयरिंग कंट्रोल में इसे काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा स्पीड की जरूरत पड़ी घूमने के लिए। बाकी यार एक बार घूमने के बाद घूमते रहता देखो कम स्पीड में ही गोल गोल घूमे जा रहा है और चलने में काफ़ी स्मूथ चल रहा है भाई। देखो वाह, तो इसने तो 8 बना दिए यार, वाह देखो 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 इसने तो 8 बना दिए भाई। ओ माय गॉड देखो भाई, ड्राइविंग सीख नहीं हो तो इसे आराम से गिर सकते हो, देखो ये 8 बना रहा है। मज़ा मज़ा भाई, डबल मज़ा इसे 8 बनाने में, तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है ना इसलिए हम इसे 8 बना सकते हैं। वाह एक नंबर का। तो गाइस अब हमारे मोस्टर ट्रैक से हम करवा रहे हैं 45 डिग्री क्लाइमिंग, वो देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्लाइमिंग है वो करवाते हैं, वो देखते हैं ये हमारी 45 डिग्री क्लाइमिंग कर सकता है क्या। ओ माय गॉड देखो देखो आसानी से चला जा रहा ओ गया। ओ माय गॉड देखो भाई काफ़ी आसानी से चल रहा है, वो इसे रखते हैं यहाँ पर। ओ देखो देखो भाई ये 45 डिग्री आराम से, अरे यार 4x4 होता है यहाँ पर, इसने खड्डे कर दिया जोड़ा सा इसे सारा देते हुए चलता है कि ओ माय गॉड देखो खड्डा कितना बड़ा गया। ओ चला जा, ओ माय गॉड मजा इतने ज़्यादा खड्डा कर दिया यार इसको चला आगे रखते। ओ देखो चला गया चलिए आराम से हमारी 45 डिग्री आराम से कर सकते। ओ देखो यहाँ से पीछे जा रहा ओ गया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल से ये गया वहाँ पर नीचे। ओ माय गॉड भाई जब हमें यार इसकी देख रहे हैं वो देखते हैं इसके अंदर हमें कितनी ज़्यादा रेंज देखने को मिल जाती है। बाकी यार बड़े बड़े मोस्टर ट्रक का टायर होता है वैसे चल रहा है, और ये यार इसकी रेंज लगभग ये 30 फीट तो चला गया है, अभी भी चला जा रहा। ओ माय गॉड देख सकते हो यार सबसे ज़्यादा इसकी रेंज देखने को मिल रही है हमें, और अभी तक चला जा रहा है। ये लगभग जा चुका है यार लगभग 100 फीट से ज़्यादा यार, वो अभी भी चला ही जा रहा है देखो। ओ माय गॉड लगभग ये जा सकता है भाई 150 से 200 फीट। तो गाइस आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे यार ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और वंदे मातरम जय हिंद जय भारत।